नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट और मैं हूं आपके साथ ज्योति शर्मा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर यूपी की बागडोर संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यकीनन भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के 18वीं विधानसभा चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत का श्रेय पीएम मोदी, अमित शाह और खुद सीएम योगी के खाते में जाता है। मगर आज इस वीडियो में हम आपको एक उस नाम से रूबरू कराएंगे जिनका इन चुनावों में बेहद अहम योगदान रहा, और वो नाम है शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का। और उन्हीं की मेहनत का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने किसी पार्टी को करीब 4 दशक बाद राज्य में लगातार दूसरी बार जनादेश दिया हो। इससे पहले उत्तर प्रदेश में 1985 में जनता ने कांग्रेस को लगातार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का मौका दिया था। तब से लेकर अब तक बीजेपी की दोबारा सत्ता में वापसी हुई है। तो आप भी जान लीजिए कि आखिर स्वतंत्र देव सिंह है कौन। आप में से शायद ही कोई जानता होगा कि स्वतंत्र देव सिंह का असली नाम कांग्रेस सिंह है। अपना नाम बदलने से लेकर अपने नाम की अलग पहचान बनाने और यूपी की सत्ता में इस वापसी के लिए स्वतंत्र देव सिंह ने लंबा संघर्ष किया है। जी हाँ, स्वतंत्र देव सिंह का नाम उनके माता पिता ने कांग्रेस सिंह रखा था, लेकिन भाजपा की राजनीति से जुड़ने के बाद उन्होंने अपना नाम बदल लिया। कांग्रेस सिंह से स्वतंत्र देव सिंह बनने तक के सफर में कई उतार चढ़ाव स्वतंत्र देव सिंह ने देखे हैं। मिर्जापुर जिले के गांव में 13 फरवरी 1964 को जन्मे स्वतंत्र देव मूल रूप से अति पिछड़ी कुर्मी बिरादरी से ताल्लुक रखते हैं। स्वतंत्र देव की पढ़ाई जालौन में पुलिस सेवा में रहे उनके बड़े भाई की देखरेख में हुई। स्वतंत्र देव सिंह आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं। शुरुआती दौर में विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे और 2001 में युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। स्वतंत्र देव सिंह ने बुंदेलखंड को अपनी राजनीतिक जमीन बनाया और फिर यूपी में अपनी पकड़ मजबूत की। राजनीति में आने से पहले कभी पत्रकार रहे स्वतंत्र देव सिंह ने 2012 में उरई की कालपी से विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन पहले ही चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद 2014 में लोकसभा चुनाव हुए जिसमें यूपी के प्रभारी अमित शाह थे, और उस दौरान पीएम मोदी की कई रैलियों में पर्दे के पीछे रहकर स्वतंत्र देव सिंह ने प्रबंधन का काम किया और अपनी क्षमता का परिचय दिया और सूबे में अपनी मेहनत से एक अलग स्थान बनाया। योगी की पहली सरकार में भरोसेमंद मंत्री भी रहे, जिसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें मध्य प्रदेश का प्रभार सौंपा और वहां भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा। मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें भाजपा के नाम गई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने यूपी की सत्ता में वापसी का प्लान बनाते हुए 2019 में स्वतंत्र देव सिंह को राज्य की कमान सौंप दी, और चुनावी नतीजों के बाद कह सकते हैं कि स्वतंत्र देव सिंह ने पार्टी द्वारा जताया गया भरोसा कायम रखा। यूपी में ये कहा जाता है कि स्वतंत्र देव सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीनों के विश्वासपात्र और करीबी हैं। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज रूम पोस्ट पर। नमस्कार।